हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हो जाते हो तो इस धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे पार्थ कौन्तेय पुत्र, और निश्चय करो, निश्चय करके युद्ध करो, अपना कर्म करो, धर्म पर विजय प्राप्त करो, अधर्म को हरा दो। इसलिए उठो और हिम्मत करके निश्चय करो, इस युद्ध को जीतो हे पार्थ। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वर्ल्ड में अपने एनिमीज से, ग्रीडीनेस से, इनइक्विटी से, सेक्सुअलिटी से, ईगो से, सिन से, डिसीव से और लाइ से अगर हार जाते हैं तो हम एक पुअर मेंटेलिटी वाले इंसान बन जाते हैं, और एक पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बहुत पीछे रह जाता है आज के दौर में। और यही इंसान अगर एक ग्रेट और एक ब्रेव वॉरियर की तरह उठे, इन सब चीज़ों को फेस करे और इन सब चीज़ों को हरा कर आगे बढ़ेगा तो एक सुपीरियर मेंटेलिटी वाला पर्सन बन जाएगा, और सुपीरियर मेंटेलिटी वाला पर्सन बनने के बाद वो पूरी दुनिया जीत लेगा। इसीलिए हमें कभी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और कभी किसी गरीब को परेशान भी नहीं करना चाहिए, और हमें घमंड तो कभी भी किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को जिस इंसान ने भी फॉलो कर लिया, जिस पर्सन ने भी फॉलो कर लिया, वो इस दुनिया को जीत लेगा। जय श्री कृष्ण।